नमस्कार जी। कई बार कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि इतने बड़े ट्रांसफार्मर पे इतना पतला फ्यूज क्यों लगा है। तो चलिए इस बात के संशय को आज यहाँ एक एग्जाम्पल द्वारा दूर करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन कारण होता है कि एसटी साइड में लो करंट का होना और एलटी साइड में हाई करंट का होना। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक 500 केवीए और 11 केवी जिसकी इनकमर एसटी है और एलटी साइड में आउटपुट उसकी 400 वोल्ट की 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर है, तो इसकी एसटी साइड में करंट कितना होगा और एलटी साइड में करंट कितना होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर का फार्मूला होता है, अगर पावर वीए में है तो उसका फार्मूला होगा पी इक्वल टू वी इंटू आई सिंगल फेज के लिए। और अगर हमारी 3 फेज की लाइन है तो पावर इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 इंटू वोल्टेज इंटू एम्पियर। अगर पावर हमारी वीए या केवीए में नहीं है, वाट में है, तो उसका फार्मूला होगा अंडर रूट 3 इंटू वोल्टेज इंटू एम्पियर आई इंटू कॉस फाई यानी पावर फैक्टर। अब हम इस 500 केवीए ट्रांसफार्मर की एसटी साइड की करंट को और एलटी साइड की करंट को पता करते हैं कि कितने एम्पियर होगी। ये हमारा फार्मूला बनता है पी इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू वी इंटू आई। पी इक्वल टू चूँकि 500 केवीए है इसलिए इसका बन जाएगा, इसमें 500 में 1000 का गुणा हो जाएगा और ये 5 लाख हो जाएगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 और वोल्टेज एसटी साइड में 11000 है और एम्पियर हमें कैलकुलेट करना है। तो एम्पियर इक्वल टू हो जाएगी 5 लाख अपॉन 1.732 इंटू 11000। ऊपर की वैल्यू 5 लाख है और नीचे की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 19052। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 26.24 एम्पियर। यानी एचटी साइड जिधर फ्यूज लगा होगा उधर की फुल लोड करंट होगी हमारी 26.24 एम्पियर। तो किसी 500 केवीए ट्रांसफार्मर में जिसकी एसटी साइड 11 केवी की है तो एसटी साइड में करंट होगा हमारा 26.24 एम्पियर। और एलटी साइड की बात करें तो एलटी साइड की कैलकुलेशन इधर लिखी हुई है पावर इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू वी इंटू आई। वी वोल्टेज है, आई एम्पियर है। पावर चूंकि ट्रांसफार्मर की 500 केवीए थी इसलिए 5 लाख वीए है। अंडर रूट 3 की वैल्यू लिखी हुई है, वोल्टेज इधर एलटी साइड में 400 वोल्ट है, एम्पियर पता करना है। तो एम्पियर आई इक्वल टू होगा 5 लाख अपॉन 1.732 इंटू 400 और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू बनती है 5 लाख अपॉन 692.8 और इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारा निकलता है वो 721.71 एम्पियर। तो इस 500 केवीए ट्रांसफार्मर की
एलटी साइड में जो करंट बनेगी फुल लोड करंट ओ बनेगी 721.71 एम्पियर। अगर इसमें हम ट्रांसफार्मर की लॉसेज को निगलेक्ट कर दें तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी एचटी साइड का करंट जो 26.25 एम्पियर के करीब है और एचटी साइड का करंट एलटी साइड का जो करंट है वो 721.71 है। यही कारण होता है कि एचटी साइट पे यानी किसी बड़े ट्रांसफार्मर पर लगने वाला फ्यूज हमारा बहुत पतला होता है। अब चूंकि अभी कैलकुलेशन से पता चला कि एचटी साइट में जो करंट होगा 26.24 एम्पियर होगा, लेकिन ये किसी कंडक्टर में फुल करंट वो होती है जो कंडक्टर बिना गर्म हुए और आसानी से उस लोड को बियर कर सके। अब फ्यूज के केस में ये होता है कि फ्यूज को पिघलना होता है, इसलिए जब हम फ्यूज का प्रोविज़न बनाते हैं तो फ्यूज लगाते समय फुल लोड करंट के हिसाब से कंडक्टर का साइज नहीं सेलेक्ट किया जाता है बल्कि उसके साइज को और पतला कर दिया जाता है ताकि फुल लोड करंट पहुंचने पे फ्यूज आसानी से पिघल जाए और ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन हो सके। फ्यूज वायर के लिए टीन और लेटर के मिश्रण से बना हुआ वायर फ्यूज के काम में लिया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि किसी बड़े ट्रांसफार्मर में फ्यूज क्यों पतली तार का लगाया जाता है। धन्यवाद।